नमस्कार, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। जय हिंद। हम यहां एक बार मछली शहर में पहुंचे हुए हैं और आज हमारे साथ में हैं भोला गुप्ता जी, आत्माराम गुप्ता और भोला जी, और जो कि यहाँ से सभासद है। इस बार ये चेयरमैनी के लिए भी ताक ठोक रहे हैं। अगर बीजेपी से इनको टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से ये चेयरमैनी लगेंगे। चलिए हम उससे बात करते हैं, सभासद उनका ये 5 साल रहे तो इन्होंने क्या काम किया। आगे भी अगर यहाँ की जनता अगर इनको चेयरमैन बनाती है, बीजेपी इनको टिकट देती है, तो इनके इनकी जो है प्राथमिकताएँ क्या होंगी, चलिए जानते हैं उनकी जुबानी। सर नमस्कार। भोला जी, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आप 5 साल सभासद रहे, बीजेपी से रहे, तो आपका ये 5 साल कैसा गया और आप जो मेरे चैनल के माध्यम से जरा थोड़ा सा अपने काम हो किया। हम बीजेपी से सभासद हुए और जब हुए हैं तब से लगातार हम लोग अपने वार्ड के लिए, जिला मुरैना के लिए प्रधानमंत्री आवास पहली प्राथमिकता गरीबों के, इस समय टोटल हमारे वार्ड में कुल 40 आवास बनके तैयार और 60 आवास हमने फिर से जियो टैग के लिए चिन्हित किया है, जिसके सर्वे चल रहा है। 60 आवास और 40 बनके एकदम तैयार हो गए हैं और सड़क हमारे यहाँ, हमारे पूरे नगर के, मोहल्ले के, हमारे सारे जितनी भी गलियां हैं सब इंटरलॉकिंग हैं। जितनी भी नालियां हैं हम लोगों ने उसको सब नालियों को पक्की करवा दिया है। हमारे वार्ड में कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें इंटरलॉक ना हो। लोगों का राशन कोरोना काल में घर घर हम लोगों ने मिलकर घर घर राशन व्यवस्था कराना और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी डबल महीने में डबल राशन की व्यवस्था की है। वो भी अच्छे और सुचारू रूप से लोगों को मिल रहा है। नगर पंचायत से जितना होना चाहिए हम लोग पूर्ण रूप से लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूर्ण रूप से हमने करी। इसमें भ्रष्टाचार 0, कार्य हर तरह से पूर्ण रूप से हो रहे हैं। हर आदमी का कार्य बिना बिचौलिया का हो रहा है और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए पार्क की व्यवस्था, टहलने की व्यवस्था, हाँ जगह जगह कम से कम पार्क बनाया जाए और लोग टहले, बच्चों के लिए भी पार्क बनाया जाए, वो खेलने की उनकी व्यवस्था हो और साफ सफाई और नगर के विकास के लिए नगर के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यहाँ और से कॉलेज खोले जाएँ, ITI कॉलेज खोले जाएँ, मेडिकल कॉलेज के लिए अपने जोधपुर में तो हो ही गया है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, और अपने नगर में जितनी सुविधा हो सके बच्चियों को पढ़ने के लिए और बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी सुविधा, ये सब प्रयास करें। आखिरी सवाल सर आपसे, GNI जो है कि न्यूज़ चैनल जो है लगातार प्रयागराज जो है कि और ये बनारस में कवरेज कर रहा, तो यहाँ के नगरवासियों को और हमारे दर्शकों को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे भोला गुप्ता जी? निश्चित तौर पर आप लोग जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा देश के विकास के बारे में, जिले के विकास के बारे में, नगर के विकास के बारे में जो आपके माध्यम से ज़्यादा प्रयास रहता है, आप लोगों के माध्यम से दिखाया जाता है कि कहाँ क्या विकास हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कार्य हो रहे हैं, ये आप ही लोगों के माध्यम से होता है और हम आप लोगों को बहुत से बहुत बधाई देते हैं। आप लोगों के द्वारा ही जनता के सारी समस्याओं का निराकरण और समस्याओं को दिखाते हुए आप लोग जनता के हित के बारे में आप ही लोग सोचते हैं और आप ही लोग के माध्यम से हम लोग भी प्रयास करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं का निराकरण। क्या संदेश देना चाहेंगे भोला गुप्ता जी? बिल्कुल, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग
के माध्यम से जनता का निराकरण हो रहा है और आप लोगों का बहुत बहुत। आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर हमको आप लोगों का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो हम तो पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे नगर के विकास के लिए। धन्यवाद। कितनी बेबाकी से जो है कि भोला गुप्ता जी ने अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन इंद्रदेव तिवारी के साथ, जय हिंद।